नमस्कार, मैं रेखा। मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्जी लेकर आई हूँ, यानी कि भिंडी मिर्ची की सब्जी। और ये बहुत ही सादा तरीके से बनाएंगे हम इसे। और देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ मिर्ची ली है और भिंडी ली है और लहसुन लिया है, और बाकी मसाले मैं आपको साथ में बताऊंगी। और ये सब्जी हमारे गांव में इसी तरह से बनाई जाती है। ये भिंडी कई प्रकार से बनती है, पर हमारे यहाँ सादा भिंडी इसी तरह बनाई जाती है। तो चलिए, और ये खाने में बहुत स्वाद होती है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी कि सरसों का तेल है। और मैं हमेशा सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सरसों का तेल। इसमें खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे जैसा भी चाहे ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो चलिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, और सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डाला है हमने। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो देखिए, मैंने मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा मुझे मिर्च को बस भूनना है। देखिए, बस भून चुकी है हमारी मिर्च, और मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये भिंडी डाल दी है मैंने। देखिए, और हमने इसे हल्के हाथों से चलाएंगे हम इसे, और फिर हम इसे ढक कर और मीडियम में पकाएंगे। एकदम सॉफ्ट हो जाएगी जब हमारी भिंडी, तब बाकी मसाले हम इसमें डालेंगे। तो देखिए, भिंडी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, और मैंने यहाँ लहसुन को दरदरा कूटा है, और मैं 2 मिनट तक इसे भून लेती हूँ इसमें इस तरह से। 2 मिनट से भूनने देंगे लहसुन को, इस तरह छोड़ देंगे। तो देखिए, लहसुन हमारा भून चुका है। मैंने यहाँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, और इसे अच्छे से हिला लेते हैं। और 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और सभी मसालों को अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भिंडी अच्छे से भून चुकी है, मसाले भून चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ही कम। ये देखिए बस, और अब हम इसे ढक कर थोड़ा और पकाएंगे, ताकि हमारी भिंडी एकदम सूखी हो जाए, और फिर हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, हमारी सब्ज़ी तैयार है, और देखिए इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है, और ये अच्छे से बन चुकी है। देखिए, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए, मैं सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारी सादा भिंडी की सब्जी तैयार है, भिंडी मिर्ची की। और इसे ठंडा होने के बाद ऊपर से आप इसमें नींबू ज़रूर डालिएगा, नींबू से बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए, इसमें कोई भी खड़ा मसाला या फिर कुछ भी टमाटर या प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है हमने। आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सादा भिंडी ही मिर्ची बनाई है, जो ज़्यादातर हमारे गाँव में बनाई जाती है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।